करें तो विलंब न करते हुए सबसे पहले परम आदरणीय परम श्रद्धेय परम सम्माननीय पूज्यपाद गुरुवर दादा श्री शंकर रागिया जी के चरणों में नमन कर रहा हूं। उनका आशीर्वाद लेते हुए श्री चरणों में नमन करते हुए हेलो चल रहा हूं। दूर दराज से पधारे परमादड़ी भैया दत्ता लोग, पिता तुल बुजुर्ग, माताएं, बहनें, छोटे बच्चे, आप सभी को हृदय से साधुवाद अभिनंदन वंदन कर रहा हूं। प्रांगण में उपस्थित माता झंडा देवी, मां झंडा देवी के चरणों में नमन कर रहा हूं। आशीर्वाद लेते हुए आप सभी को पुनः नमन करते हुए आज की रात्रि सहयोगी पार्टी परम आदरणीय सम्माननीय श्रीमती पद्मा शर्मा जी कानपुर, आपको एवं आपके सभी सक्षम सामर्थ्यवान साथियों को मेरी ओर से नमन है। हम दोनों कलाकारों के बीच दो दो और कलाकार मौजूद हैं, जिसमें से पहले भैया श्री संजय जी, बड़े भैया हैं आप, जो हम लोगों के इस कार्यक्रम को देश विदेश तक प्रसारित करते हैं, आपके श्री चरणों में नमन है, धन्यवाद ज्ञापित कर रहा हूं। दूसरे कलाकार जो भैया श्री साउंड ऑपरेटर महोदय जी हैं, और वाकई में आप एक ऐसे कलाकार हैं, अगर आप कलाकार कलाकारों के बीच में नहीं है तो हम दोनों कलाकार कलाकार नहीं है, जान डाल देते हैं आप हम कलाकारों के बीच में। तो लीजिए बहुत ही कम समय में प्रस्तुत कर रहा हूं कार्यक्रम को। संपूर्ण रात्रि में हम दोनों कलाकारों से जाने अनजाने कुछ त्रुटियां हो सकती हैं, जिनके लिए हम पूर्व से ही क्षमा प्रार्थी रहेंगे। इस ताजकपुर ग्राम की इस चंदन समान मिट्टी को अपने भाल पर अंकित करते हुए चल रहा हूं कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए। किसी जाहिल को भी साहिल बना दिया तुमने भैया जी, किसी जाहिल को भी साहिल बना दिया तुमने, जो दर्दे दिल था दरिया दिल बना दिया तुमने। क्या बात है, किसी किसी जाहिल को भी साहिल बना दिया तुमने, हाँ, जो दर्दे दिल था दरिया दिल बना दिया तुमने, गमे दिल तंग दिल जो था एक बुझ दिल को उसे भी गाने के काबिल बना दिया तुमने। क्यों क्यों, क्योंकि नजर नजर को जान लेती है वो बात सबकी ही मान लेती है, नजर हाँ नजर नजर को जान लेती है, बात सबकी मां मान लेती है, बिल्कुल, और मां के जैसा नहीं इस दुनिया में कोई दूसरा, हाँ, क्योंकि मां तो बच्चों पे जान देती है। ये क्या बात है छोटो, अब बारी आती है बंधन की,
तो हर कलाकार दौड़ता हुआ पहुंचता है माँ भगवती के चरणों में। हाँ, आइए हम बच्चे भी प्रयास कर रहे हैं। बिल्कुल सुने, अरे माँ हाँ, तेरे दरबार में कई भक्त आते हैं। बिल्कुल, कई भक्त आते हैं और जाते हैं। कोई कहता है माँ मुझे धन दौलत मिल जाए, कोई कहता है गाड़ी बंगला मिल जाए, कोई कहता है माँ 2020 में हमें प्रधान बना देना। लेकिन देखिए हम बच्चे क्या मांग रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल, मांगो मांगो बेटा, कहना माँ से, क्योंकि माँ हम खड़े तो हो गए हाँ, लेकिन हम बच्चों की जान तो आप हो। हाँ, जब तक आपका साथ नहीं तब तक कोई आगे का विकास नहीं। कलाकार कह देता है कि रात्रि भर के लिए चली आना माँ, हाँ, लेकिन मैं तो ये नहीं कहता। बिल्कुल, मेरा मानना है हाँ, अगर वो माँ एक पल के लिए भी हमको छोड़ दे तो मेरे ख्याल से कोई व्यक्ति जीवित नहीं बच सकता। उसकी कृपा हर पल हर क्षण हमारे साथ है, इसलिए मुदित होकर हम सब मैया को मना रहे हैं और गीत गा रहे हैं। लेकिन माँ सबसे बड़ी बात तो यह है, गीत गाने तो खड़े हुए लेकिन लेकिन अर न स्वर ताल जानू, ये क्या बात है, क्या बात है, सुनो बहुत अच्छे, क्या बात, क्या बात, जानू मैं सरगम, न स्वर ताल जानू, न जानू मैं सरगम, नहीं जानता हूँ माँ, नहीं जानता हूँ माँ, ये गाना बजाना तो मेरी सारी स्वरों में समा, मेरी सारी दे मा स्वरों में समा, मेरी सारी दे मा स्वरों में समा, मेरी सारी दे मा स्वरों में समा। और कहना क्या माँ, रसना में मेरी बात है छोटो, अरे माँ रसना में मेरी, इस रसना में यानी जीभ में, अरे रसना में मेरी कोई भी रसना, तो ये निवेदन है क्या कि बनकर मधुर रस माँ तू आकर बरसना, बनकर मधुर रस माँ तू आकर बरसना, आकर बरसना।
और जब तक मैं कर लू चरण इस परसना तो मिले मेरे मन को मैया हरसना। तब तक हम भक्तों के दिल को तसल्ली नहीं होती, इसलिए कह रहा हूं मां। अरे सरगम स्वरों का स्वरों का मां संगम दिखाना। आए मैया, हाँ स्वर सरगम हम लोग नहीं जानते, बिल्कुल नहीं, बिल्कुल जानते ही नहीं। और आप इस स्वर सरगम की भंडार हो। सरगम स्वरों का मां संगम दिखाना। सरगम स्वरों का मां संगम दिखाना। मेरी शारदे मां स्वरों को सजाना। मेरी शारदे मां स्वरों को सजाना। मेरी शारदे मां स्वरों को सजाना। कहना पड़ा मेरी भावना में। क्या बात है, बहुत अच्छे, क्या बात है, क्या बात है, क्या बात है, सुनो मेरी भावना में। कोई भाव नहीं है, बिल्कुल नहीं मां। हाँ लेकिन हाँ दुर्भावना हो ये संभावना। और धरती गगल मैया हो तुम्ही से बना है। जब आपसे सब कुछ तो हम जानते हैं हम बच्चों पर कृपा आप जरूर करोगी। बिल्कुल बिल्कुल। गुनी ज्ञानी ध्याते माँ ये मैंने सुना है, मैंने सुना है। तो अरे भरो भाव भक्ति का, भरो भाव भक्ति का ऐसा खजाना। भरे भाव भक्ति का ऐसा खजाना। सारी दे सजदा तो इबादत बनेगी, ये श्रद्धा व पूजा अमानत बनेगी। अरे खुलेगा जब तुम्हारे गुनाहों का कच्चा चिट्ठा तो माँ बाप की सेवा ही जमानत बनेगी। कहना पड़ा क्या? और प्रांगण में बहुत ही अच्छे आयोजक और कीर्तन श्रोता जिनको अगर ये कह लिया जाए कि कीर्तन को
कलाकार कह देते खाना, बिल्कुल तो कीर्तन सुनते नहीं खाने वाले लोगों में। परम आदरणीय दादा श्री कालू गढ़ा की धरती से पधारे हुए दादा श्री बीनू वाजपेयी जी, बड़े भैया संजय जी, परम आदरणीय सम्मानी बड़े भाई सतीश समरिया जी, राम शंकर राजपूत जी, अन्य मित्रगण, आप सभी को हृदय से साधुवाद है, धन्यवाद है। और हमारा परम सौभाग्य है कि आपके पुनः दर्शन हुए। बिल्कुल। अब मैं चाहता हूं इतनी दूर से चलकर महारानी के पावन चरणों में हाजिरी लगाने आप लोग आ पहुंचे हैं, तो मैं चाहता हूं एक बार जोरदार तालियां आप सभी। बिल्कुल बिल्कुल, तालियां अनिवार्य है। एक बात और सुनिए महारानी के चरणों में। अरे तेरा प्यार माता मैया, तेरा प्यार माता हो कभी बंद ना हो। तेरा द्वार हम बच्चों के लिए कभी बंद नहीं होता। बिल्कुल भैया जी, भैया गड़बड़ हो गया, आवाज कम हो गई, सबकी आवाज कम हो गई, थोड़ा सा देख लीजिए एक बार। हाँ, देख लो देख लो, बहुत ही बेहतरीन साउंड सर्विस बोल रहा है आपका। हेलो जी, हेलो 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 जी, हेलो हेलो जी, हेलो। ये बार तेरा प्यार माता कभी बंद ना हो। जब तेरा द्वार बंद नहीं, बिल्कुल, तो तेरी वंदना ये कभी बंद ना पथ से मेरा। अब मेरा क्या सभी भक्तों का? बिल्कुल, क्योंकि ये वंदन गीत तो सिर्फ अवधेश अचल पड़ रहा है, लेकिन जितने भी भक्त बैठे हैं उनके कर रंध्रों से होकर हृदय तक बात जा रही है। बिल्कुल, तो हाजिरी माँ के चरणों में आपकी भी लग रही है। तो माँ से भक्त कह क्या रहे हैं? क्या कभी पाप पथ से मेरा और संबंध ना हो। माया से मोहित मन मत रंदना हो। कभी माया न घेरने पाए हमें। बिल्कुल, अरे माया से मोहित मन मत रंदना हो। इसलिए अचल भक्ति कावल क्या बाजार है छोटो। अचल भक्ति का वर्मा मैं चाहता हूं पाना। अचल भक्ति का वर्मा चाहता हूं पाना। क्यों क्यों नहीं जानता हूं मां ये गाना बजाना। सारे दे मासरो मेरी सारे दे मासरों को सजा। Thank you.
सम्मान की बात है ये मेरे लिए कि आज झंडे वाली माता के दरबार में आप सभी लोग इतनी बढ़ती हुई ठंड के मौसम में इकट्ठा हैं। जितनी माताएं बैठी हैं यहाँ पर, बहने माताएं बच्चे सभी लोग यहाँ बैठे हैं, मैं सभी को नमस्कार कर रही हूँ, प्रणाम कर रही हूँ, धन्यवाद है यहाँ आने के लिए। सभी भैया लोग जो यहाँ के भी रहने वाले हैं, पूरे उन्नाव से लोग आए हैं, रायबरेली से लोग आए हैं, कानपुर से लोग आए हैं। मैं पद्मा शर्मा अपने इस छोटे से संगीत परिवार जिसका नाम है पद्मिनी पद्मा संगीत परिवार कानपुर मुंबई, मैं आप सभी का स्वागत कर रही हूँ। सभी को सादर नमन है, जय हो, प्रणाम कर रही हूँ आदरणीय ताज भाई साहब को, जो इतना सुंदर साउंड सर्विस यहाँ पर लेकर उपस्थित हैं हम सभी की आवाजों को सुंदर बनाने के लिए। साउंड का तो कोई जोड़ा नहीं। आज के इस पूरे प्रोग्राम को बहुत सुंदर ढंग से अपने कैमरे में कैद करने के लिए उपस्थित हैं हमारे भाई साहब श्री संजय जी, केएस म्यूजिक चैनल, जो कि इस कार्यक्रम को YouTube पर प्रसारित करेंगे। तमाम कार्यक्रम आपने इनके देखे होंगे और इनके इस कार्य से हम सभी कलाकारों को बहुत लाभ भी मिला है, इसके लिए मैं हृदय से आभारी हूँ। इतनी लंबी यात्रा करके आप यहाँ तक आए हैं, मैं आभार व्यक्त कर रही हूँ। और आज के हमारे साथी कलाकार श्री अवधेश अचल जी का स्वागत है, उनके ग्रुप के सभी सदस्यों का स्वागत है। अपने गुरुवर दादा हरि किशन जी को प्रणाम करते हुए आज का कार्यक्रम शुरू करने जा रही हूँ। जो कुछ अच्छा लगेगा वो मेरे लिए आप सभी का आशीर्वाद होगा, कहीं कोई कमी लगे तो छोटा समझकर क्षमा करिएगा। बहुत ही अच्छे कलाकार श्री अजय अनुरागी जी यहाँ पर हैं, उनका स्वागत है। उनके बहुत कार्यक्रम आपने सुने होंगे, बहुत अच्छे कलाकार हैं, यहाँ आने के लिए उनका धन्यवाद है। बहुत अच्छे लेखक श्री सतीश जी, बहुत अच्छा लिखते हैं, वो भी आज यहाँ उपस्थित हैं, मैं उनका भी स्वागत कर रही हूँ। आदरणीय श्री राधे श्याम सलोना जी अपने आप में एक बहुत ही बढ़िया व्यक्तित्व हैं, मैं उन्हें प्रणाम कर रही हूँ। जितने भी दूर दराज से लोग आए हैं, जितने लोग हमारे कालू खेड़ा से आए हैं, आदरणीय श्री बीनू वाजपेयी जी स्वागत है आपका और आपके सभी मित्रों का। हमारे भाई साहब श्री पवन वाजपेयी जी, जिनके माध्यम से हम आज यहाँ पर कार्यक्रम करने जा रहे हैं, उनके परिवार के लिए, पूरे परिवार के लिए ढेर सारी शुभकामनाएं। आदरणीय सुनील भाई साहब और उनके सभी साथी लोग जिन्होंने इस कार्यक्रम को यहाँ सजाया है, संवारा है, हमें बुलाया है, मैं हृदय से आभार व्यक्त कर रही हूँ। आदरणीय बहन जी जिन्होंने पुष्पमाल पहना कर मेरा सम्मान बढ़ाया, साथ में 101 रुपयों की भेंट, मैं आपको हृदय से प्रणाम कर रही हूँ। आदरणीय दादा लोधी जी जिन्होंने 101 रुपयों का आशीर्वाद दिया, उनका भी धन्यवाद है। और एक बड़ा सा धन्यवाद स्नेह से भरा पद्मिनी शर्मा जी के लिए, जो इस कार्यक्रम को बड़े अच्छे ढंग से संचालित कर रही हैं, धन्यवाद है। बिना समय गवाए, क्योंकि जैसा माहौल होता है कलाकार को वैसा ही काम करना चाहिए, जबरदस्ती का बहुत लंबा नहीं खींचना चाहिए, कोई वाद विवादन नहीं, सिर्फ 2 मिनट का टाइम नीचे बैठकर लूंगी आवाहन के लिए, और खड़े होकर सीधे एक अंतरे की वंदना, फिर खिड़की खोल खोल दरवाजा, हम लोग शॉर्टकट लेके चलते हैं, और उसके बाद अपना छोटा सा गीत एक कटवीस, क्योंकि हम जितना ज्यादा आपको सुना पाएंगे कम समय में, उसी में हमें अच्छा लगेगा और आप लोगों को परेशानी नहीं होगी। आइए शुरू करते हैं। टाइम तो दे आ
ये है सेटिंग, सुनिएगा। दुनिया सेटिंग में चल रही है, आप सेटिंग में मत जाओ। नहीं, दुनिया तो फेसबुक की चैटिंग में चल रही है। सुनिएगा, चार पंक्तियां आपके सामने बोलने जा रही हूँ, और जो बोलने जा रही हूँ वो हमारी और आपकी जिंदगी से मैच करता है, मिलता जुलता है। पंक्तियां अच्छे लगे तो जोरदार तालियां बजाइएगा, क्योंकि तालियां कलाकारों के लिए टॉनिक का काम करती हैं, और हमारी माताएं बहनें भी ताली बजाने में कमजोर नहीं है। शॉल ओढ़े रही है, जो हाथ दुकाए हैं लुकाए हैं, इसको खोल के और ताली जरूर बजाइएगा। टॉनिक वो भी ताकत वाली। जिंदगी जीना आसान नहीं होता बिटिया, जिंदगी जीना बहन जी बहनी, जिंदगी जीना आसान नहीं होता, और बिना संघर्ष किए कोई महान नहीं होता। जिंदगी जीना आसान नहीं होता, बिना संघर्ष किए कोई महान नहीं होता, और जब तक न पड़े हथौड़े की चोट पत्थर पर, जब तक न पड़े हथौड़े की चोट पत्थर पर, तब तक पत्थर भी भगवान नहीं होता। लोग समझ रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद है। अगर इतना ही जीवन आसान होता और कीर्तन आसान होता, तो ये जो कालू खेड़ा का वनवास हम झेल रहे हैं, ये न झेल रहे होते। बचपन में दादा हरि किशन जी के साथ कम से कम चार बार उस मंच पर गए हैं, एक जागरण में गए हैं, बाकी जवाबियों में गए हैं, लेकिन उसके बाद ऐसा अकाल पड़ा है हमारे लिए, सूखा सूखा। तो वही हम सोचते हैं कि दुनिया भर में तो हम गाए, लेकिन जहां मेरा बचपन गुजरा, क्योंकि जब जब आपके यहाँ कार्यक्रम होता है तो फोन आता है मेरे पास, जो वो सामने भाई साहब एक रहते हैं, उनका फोन आता है, और दादा उनका फोन आता है, सब सूचना हमको मिलती, तो हम कहते ठीक है भाई, जब वहाँ गुफा का दर्शन करने का भाग्य में बदा होगा, अभी गुफा बनती है वहाँ पे, बनवास खत्म, अब मंदिर बनने वाला है, अब मंदिर बनने वाला है इसी उपलक्ष्य में। तो सुनिएगा, जितनी हमारी माताएं बहनें बैठी हैं, एक बार आप लोगों के मन में आया कि जो आपके वो है ना, वो इनके वो, समझ गए, उनसे कुछ कहा जाए, कैसे। एक गीत आया काफी टाइम पहले, सुनिएगा। जरूर जरूर। प्यार के पंख लगा के दूर कहीं उड़ जाए, तुमको मैंने
पेटिका है, छोटा सा वंदन गीत एक अंतरे का। सारे गा मा पा धा नी सा सानी दा पा मा गा रे सा। तो एक ही प्रार्थना है माँ, क्या क्या स्वर शब्द साकार कर। साकार कर माँ मेरी श्वेत बसना। माता सरस्वती श्वेत वस्त्रों को पहनने वाली, शब्दों पर गौर करिएगा, सुनिएगा। स्वय शब्द साकार कर माँ मेरी श्वेत बसना। बसना हृदय में माँ मेरी, माँ माँ बोले रसना। और मामा बोले ये रसना, तो प्रार्थना क्या है? क्या कंठ सरस कर उसमें भर दे मेरी माँ। से बेटा कंठ सरस कर उसमें भर दे मां अमृत की धारा। और भक्त एक ही प्रार्थना करते हैं कि अगर माँ कोई अगला जन्म होता हो तो मैं चाहता क्या हूँ, ध्यान से सुनिएगा। कंठ सरस, कंठ सरस, कंठ सरस कर उसमें भर दे जन्म 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 का साथ हो हमारा तुम्हारा सात स्वरों की दायनी विद्या बुद्धि प्रदाता। अखिल भुवन बस में तेरे तू ही विश्व विधाता। Oh,
क्या वंदना की गा रही हूँ क्या क्या अजय तुझे तन मन से पूजे पद्मा गंगा की धारा अजय तुझे तन मन से पूजे पद्मा गंगा की धारा तो एक ही प्रार्थना माँ क्या जन्म 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 जन्म, 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 जन्म